बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू ऑक्सफर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड फिफ्थ। ऑल ऑफ यू ओपन योर रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54। पार्ट 3, मटीरियल्स एंड मैटर्स, यूनिट नंबर 6, सॉइल। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6 आपके सेकंड टर्म की फर्स्ट यूनिट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, सॉइल। सॉइल मीन मिट्टी। रिकॉल, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। आपको पता है कि जो ज़मीन है वो डिफरेंट तहों से मिलकर बनी होती है। द सर्फस इज़ कूल बट द सेंटर इज़ वेरी हॉट। आपको पता है जो इसकी सर्फस है, सतह है इसकी, वो ठंडी है, बट जो इसका सेंटर है वो क्या है, बहुत गर्म है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ रॉक्स, इसके ऊपर कई किस्म की चट्टानें हैं। सम कंटेन मिनरल्स, और कुछ नमकियात कंटेन करते हैं या रखते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड द एक्शन ऑफ द वेदर ऑन रॉक्स। अब आपको पता है सॉइल कैसे बनती है, इरोजन से, और एंड द एक्शन ऑफ द वेदर, या फिर जो मौसम का जो एक्शन होता है चट्टानों के ऊपर, उस जो असरात होते हैं उस वजह से क्या बनती हैं, उस वजह से सॉइल बनती है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, सॉइल की मुख्तलिफ इकसाम हैं। यू विल लर्न दैट सॉइल इज़ मेड ऑफ वाटर। आपको पता है सॉइल किस किस से मिलकर बनी है, वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉइल बनाती हैं। कौन कौन सी, पानी, हवा, नमकियात और नमियाती मरकबात, ये ठीक है, नमियाती मादा, ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉइल बनाती हैं। देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। आपको पता है सॉइल्स की क्या हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। अभी हम उनको पढ़ेंगे वो कौन कौन सी लेयर्स हैं। मॉइस्चर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। मॉइस्चर मीन नमी। अब देखें, नमी का जो है, ज़मीन की जो तय हैं, मुख्तलिफ तयें, हर तय के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट यानी असर होता है। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड। इट इज़ द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सर्फिस। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी लिविंग थिंग यूज़ इट टू सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेस ऑफ शेल्टर। ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लैनेट। स्टूडेंट्स, आपको पता है सॉइल, सॉइल मीन मिट्टी, ये ज़मीन के ऊपर हर जगह पर पाई जाती है, और ये वो मटेरियल है जिसने हमारी अर्थ की सतह को ढांपा हुआ होता है या फिर कवर किया होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। इसके अलावा ये सॉइल उनके लिए एज अ शेल्टर भी वर्क करती है, ठीक है। आपको बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, प्लांट्स, ठीक है। सॉइल सपोर्ट प्लांट बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। सॉइल किसको सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स, प्लांट्स को सपोर्ट करती है। किस तरह कि सॉइल ज़मीन के अंदर प्लांट को किस तरह से सपोर्ट करती है। देखें स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो हैं जब हम उनको ज़मीन में ग्रो करते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो इस सॉइल के अंदर फर्मली जो हैं वो हील्ड होते हैं, एंड बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा ये प्लांट को जो सॉइल जो है प्लांट को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। सॉइल इज़ यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा सॉइल को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर कमार जो है ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है सॉइल को यूज़ करते हुए। वॉट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ फोर थिंग। अब आपको पता होना चाहिए, देखें सॉइल ज़मीन किससे बनी हुई है, ज़मीन फोर चीज़ों से, चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। देखें स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर मीन नमियाती मादा, ठीक है। अब देखें नमियाती मादे में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं,
डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑर्गेनिक में आपके पास क्या है, डेड प्लांट, मरे हुए पौधे और जानवर. इसके अलावा पानी, हवा और मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नमकियात होते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सॉइल को बनाती हैं. मिनरल्स कम फ्रॉम द ब्रोकन रॉक्स. अब देखिए मिनरल्स कहाँ से आपके पास आते हैं, ब्रोकन रॉक्स, टूटी हुई चट्टानों से मिलते हैं हमें. फाउंड अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो चट्टानें टूट जाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स, मीन नमकियात. इट टेक्स ईयर्स फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई साल गुजरने के बाद वो सॉइल ज़रखेज़ हो जाती है, ठीक है. सॉइल क्या हो जाती है, ज़रखेज़ हो जाती है. लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट डाई. लिविंग थिंग्स में जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, दे रॉट एंड मिक्स विद द टॉप सॉइल, ठीक है. वो गल सड़ जाते हैं और उसके बाद वो ज़मीन की जो फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं. किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, टॉप सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. दिस सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल. अब ये जो सॉइल होगी टॉप सॉइल, ये रिच होगी और फर्टाइल होगी, मीन जरखेज होगी, इसमें नमकियात की फरावानी होगी. इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. अब इस टॉप सॉइल को जो कि रिच होगी, फर्टाइल होगी, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे. प्लांट ग्रो वेल इन ह्यूमस. अब प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस में होगी, ह्यूमस में होगी. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 55. एनिमल्स लिव इन सॉइल. सम एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल. आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि चूहा, खरगोश, सांप, ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर अपने घर बनाते हैं. स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवर्म. ये देखें स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास, अर्थवर्म है. मिलीपीड्स, बीटल्स, एंट्स एंड स्लग ऑल्सो लिव इन द सॉइल. इसके अलावा कुछ स्मॉल एनिमल हैं वो भी ज़मीन के अंदर रहते हैं. दीज एनिमल हेल्प टू एरेट द सॉइल. एरेट मीन कि ये हवा को सॉइल में लेकर जाते हैं, ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल. वाइल देयर वेस्ट इन रिच द सॉइल. जबकि जो इनका वेस्ट मटेरियल है वो सॉइल को क्या करता है, जरखेज करता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर इज नो सॉइल ऑन मार्स एंड वीनस. मार्स और वीनस के ऊपर मिट्टी नहीं है. हाउ इज दिस सो व्हेन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स. तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों प्लैनेट्स में रॉक्स जो है उसकी फरावानी है. What is missing is life. There are no bacteria or fungi to make humus. देखें चूँकि इसमें missing ये है कि यहाँ पर bacteria और fungi नहीं है. अगर bacteria और fungi नहीं है तो humus नहीं बनेगा. And no rabbits or earthworm. और वहाँ पर rabbits भी नहीं है और earthworm भी नहीं है to loosen the topsoil. Topsoil को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर क्या नहीं है students, rabbits और earthworm नहीं है. Layers of the soil. Layers mean तहें. Of the soil mean ज़मीन की तहें. If you have ever visited a construction site, अगर आपने कभी भी किसी ऐसी जगह विज़िट किया हो जहाँ पर तमीर का काम शुरू हो, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो, तमीराती काम हो रहा हो, you must have seen deep holes. तो आपको वहाँ पर गहरे सुराख नज़र आएंगे. If you look closely at the side wall of the hole, you can see that the soil is not the same from the bottom to the top. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह विज़िट किया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, तो आप वहाँ पर बड़े गहरे सुराख देखेंगे. अगर आप उन सुराखों को, उन होल्स को बहुत क्लियरली देखेंगे, तो आप वहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे कि होल की जो सॉइल है बॉटम से टॉप तक सेम नहीं है, बल्कि उसका कलर डिफरेंट है. ठीक है, द सॉइल ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन लेयर्स. अब वो सॉइल जो अर्थ के ऊपर हमें मिलेगी वो किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, लेयर्स की फॉर्म में होती है. यहाँ देखें, यहाँ इस डायग्राम में आपके पास फर्स्ट है आपके पास टॉप सॉइल. एट द टॉप इज टॉप सॉइल. देखें टॉप के ऊपर क्या होती है स्टूडेंट, टॉप सॉइल होती है. बिलो दिस इज अ लेयर ऑफ सब सॉइल. अब इसके नीचे जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल बोलेंगे. और इसके नीचे जो लेयर्स होगी सॉलिड होगी, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक्स. और यहाँ पर एक डीपेस्ट लेयर्स होती है रॉक्स की, जो क्या बनाती हैं, बेड रॉक. तो इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, बेड रॉक. स्टूडेंट, ज़मीन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका सीक्वेंस देख लें आप. फर्स्ट आपके पास टॉप सॉइल, सेकंड आपके पास सब सॉइल, उसके बाद रॉक्स, और लास्ट आपके पास क्या है, बेड रॉक. अब हम देखेंगे टॉप सॉइल क्या है. ये देखें स्टूडेंट, ये टॉप सॉइल है. द टॉप सॉइल इज वेयर मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म
फंजाई एंड बैक्टीरिया ले। देखें जितनी भी क्रिएचर है वो कहाँ पर रह रही है, टॉप सॉइल के ऊपर रह रही है। द टॉप सॉइल कंटेन ह्यूमस। अब टॉप सॉइल क्या करती है, ह्यूमस को कंटेन करती है, जिसकी वजह से वहाँ प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ऑल रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट ब्रोकन डाउन टू पेबल्स ग्रेवल एंड मर्ड। वाटर एंड विंड ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। अब देखें सब सॉइल कब बनेगी, ज़मीन की सतह के ऊपर जितने भी रॉक्स हैं वो टूट जाएंगी, ठीक है, छोटे छोटे कंकरों में, बजरी में और मिट्टी में। वाटर और विंड की वजह से ये तब्दीलियाँ होंगी। देखें अब जो रॉक्स हैं ज़मीन की सतह के ऊपर वो किस वजह से टूटेंगे, वाटर और विंड की वजह से वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। किस में, पेबल्स ग्रेवल एंड मर्ड में, ठीक है। द सब सॉइल इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। अब सब सॉइल में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट कंटेन लेस ह्यूमस, सब सॉइल में ह्यूमस की मकदार कम होगी, और मिनरल लाइक आयरन, आयरन और ह्यूमस की मकदार सब सॉइल में कम होगी। डीप प्लांट रूट लुक फॉर वाटर इन द सब सॉइल। अब वो प्लांट्स जिनकी जड़ें गहराई तक होती हैं सब सॉइल से उनको वाटर मिलता है, ओके, फॉर वाटर इन द सब सॉइल। इन फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेज़ बहने वाले जो दरिया होते हैं, रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। देखें स्टूडेंट्स, जो तेज़ बहने वाले दरिया होते हैं उसमें जो स्टोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ग्राइंड होते हैं, ठीक है। जो रॉक्स होती हैं एक दूसरे के साथ ग्राइंड होती हैं, और उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसेस बिकम स्मॉलर एंड टर्न इनटू सैंड, मड एंड सॉइल। द रिवर कैरी दिस सॉइल कॉल्ड सेडिमेंट विद देम, इट इज़ देन डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक। देखें स्टूडेंट्स, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं उनमें जो रॉक्स पाई जाती हैं वो एक दूसरे के साथ जब रब होती हैं तो वो ग्राइंड हो जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये पीसेज इतने छोटे हो जाते हैं कि ये सेंट में रेत मिट्टी और ज़मीन मिट्टी में तकसीम हो जाते हैं। अब रिवर क्या करेगा, इस सॉइल को लाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट बोलेंगे, और इसके बाद ये रिवर बैंक्स में डिपॉजिट में जमा हो जाएगी, ठीक है। ये सैंड, मड और सॉइल तीनों चीज़ें कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी, रिवर बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 56 पे आप देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ आपको डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, आपने सूटेबल वर्ड को उस ब्लैंक के अंदर लिखना है। द सर्फेस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, जो सर्फेस लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टॉप सॉइल। सेकेंड है द लेयर अंडर द सर्फेस, अब सर्फेस के नीचे जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सब सॉइल। अंडर द लेयर ऑफ सब सॉइल, सब सॉइल की लेयर्स के नीचे जो लेयर्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रॉक्स। फोर्थ आपके पास डैश एंड डैश, ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू डैश 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 एंड डैश। देखें आपको पता है, मैंने आपको बताया था पेबल्स ग्रेवल सैंड और मड किसकी ब्रेक डाउन की वजह से होती है, कौन सी चीज़ है जो रॉक्स को तोड़ती है, वाटर और विंड जब रॉक्स को तोड़ेंगे तब आपके पास कंकर बजरी रेत और मिट्टी बन जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ आपके पास स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द फर्टैलिटी ऑफ सॉइल, फर्टैलिटी मीन जरखेजी, ठीक है, बाय मूविंग थ्रू इट दिस इंट्रोड्यूस एयर इन टू द सॉइल। अब स्मॉल एनिमल्स क्या करते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए मूव करते हैं, और इसकी वजह से हवा जो है वो सॉइल के अंदर इंटर हो जाएगी। दे ऑल्सो लीव देयर वेस्ट इन द सॉइल, इसके अलावा जो इनका वेस्ट मटीरियल होगा वो उसको ज़मीन के ऊपर छोड़ देंगे। दिस पुट, जो वेस्ट मटीरियल होगा उससे न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेंगे, दिस पुट डैश न्यूट्रिएंट्स इन टू द सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, टूडे वी हैव डन reading plus explanation of unit number 6. You have to write all these blanks on your textbook page number 56. Okay. Jazakillah. Fi amanillah.